आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुंदर सी डेकोरेटिव बंधनवार। तो चलिए, इसके लिए हमें मटेरियल चाहिएगा, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिएगी फॉर्म शीट्स, थोड़ा रिबन, पेयर ऑफ सीजर, पेंसिल एंड स्केल, वुडन स्टिक जो पतली हो लेकिन ज़्यादा पतली ना हो, जैसे काइट में लगी आती हैं बिल्कुल वैसी ही, और कुछ बड़े मोती, ये देखिए इतने बड़े होने चाहिए, और ग्लू। हम यहाँ पर ग्लू गन यूज़ करेंगे क्योंकि जो फेविकोल होती है या फिर नॉर्मल अदर ग्लू होती है वो फॉर्म शीट को इजीली और क्विकली पेस्ट नहीं करवा पाती है, इसलिए हम यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन में ब्लू और लाइट पिंक कलर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे ग्रीन और येलो ले सकते हैं, या फिर पिंक और येलो ले सकते हैं, पर्पल येलो, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस पर मार्किंग करेंगे। फॉर्म शीट के हम बैक साइड में मार्किंग करेंगे 2x11 का, जिससे हमें एक रेक्टेंगुलर पीस हमें मिल जाएगा। और यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, ऐसी हमें एक कलर की एक कट करनी है, और मतलब हर कलर की एक एक कट करनी है। हमें ये ऐसी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। हम सेम थिंग ब्लू में से भी करेंगे, सेम थिंग हमें ब्लू पर, ब्लू फॉर्म शीट पर करनी है, ग्लिटर फॉर्म शीट पर। जब हमारे पास ये अपने कलरफुल शीट्स के पीसेस कट हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको पेस्ट करेंगे। देखिए हमारे पास ये 4 स्ट्रिप्स हो गई हैं। अब हम ये 2 अलग पेस्ट करेंगे और ये 2 अलग पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो पिंक फॉर्म शीट है उसके बिल्कुल कॉर्नर साइड पर ही ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर साइड पर लगानी है, मिडिल में नहीं लगनी चाहिए, वरना ये ख़राब हो सकता है। और हम ब्लू कलर का लेंगे और ब्लू कलर को भी बिल्कुल कॉर्नर साइड से ही इसको पेस्ट करेंगे। हमें मिडिल में से पेस्ट नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने केवल 1 साइड से ही इसको पेस्ट किया है, दूसरी साइड से हमारा ये ओपन हो सकता है। अब हम इसमें जो हमने वुडन स्टिक ली थी उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फॉर्म शीट के बिल्कुल कॉर्नर साइड में ही हम ग्लू लगा के इसको पेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये ग्लू जो है वो अंदर तक ना जाए और ये जो स्टिक है वो भी पेस्ट ना हो। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों साइड से पेस्ट हो गई है और ये हमारी जो स्टिक है वो निकल भी सकती है और अंदर जा सकती है। आप चाहें तो पहले दोनों स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लो और उसके बाद अंदर से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इस स्टिक को सिक्योर करेंगे, यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक लेके आएंगे, पहले यहाँ से इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे।
अब हम इसके सिक्योर होने के बाद हम ये जो एजेस हैं यहाँ से थोड़ा सा सर्किल शेप में थोड़ा सा कट कर देंगे, यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं करना है वरना ये थोड़ा हट जाएगा, थोड़ा सा करना है जिससे कि जब हम इसको टर्न करेंगे उससे इसकी लुक अच्छी आ जाए। इसको आगे से और नीचे से कट करने के बाद हम इसकी स्टिक को कट कर देंगे बिल्कुल पॉइंट से। इसको कट करने के बाद अब हम इस फॉर्म को ट्विस्ट करेंगे। हमने इसीलिए जो हमने वुडन स्टिक इसके अंदर इंसर्ट करी थी इसलिए नहीं पेस्ट करी थी, क्योंकि हमें इस फॉर्म शीट को ट्विस्ट करना था कुछ ऐसे ऐसे। ये हमारी बिल्कुल डेकोरेशन आइटम ऐसे रेडी हो जाएगी, बट हमें इसको सिक्योर करना पड़ेगा नीचे से, यहाँ से जैसे हमने टॉप पर से किया था सिमिलरली हम नीचे से करेंगे। और ये हमारी ऐसे वुडन स्टिक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वुडन स्टिक के ऊपर ग्लिटर शीट से एक डेकोरेटिंग आइटम। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर ये रिबन लिया है, हम इसको जहाँ से हमने इसको लास्ट टाइम पेस्ट किया था वहाँ से इसको सिक्योर करना स्टार्ट करेंगे। इसके ऐसे हम चारों तरफ इसको राउंडली लेकर जाएंगे। हम ऐसे यहाँ पर 2-3 टर्न्स लेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर ग्लू गन से इसको सिक्योर कर देंगे और फिर इसके लिए एक लूप बनाएंगे इससे अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप चाहते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर सिक्योर करके इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने ये इसका लूप बनाकर यहाँ से सिक्योर कर दिया है। देखिए हमारा ये जो ट्विस्ट है वो बार बार खुलता रहता है, इसीलिए हमें इसको ट्विस्ट करने के बाद थोड़ी देर तक इसको अपने हाथ में पकड़े रखना है जिससे कि इसका ये ट्विस्ट बार बार ना खुले और इसकी बिल्कुल अच्छे से लुक आ जाए। हम इसको थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे। जब ये यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट रुक जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर इसके टॉप पर जो दूसरा साइड है लूप से दूसरा साइड एक बड़ा जो मोती हमने ले रखा है वो लगाएंगे, ये ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक हैंगिंग तैयार है। ऐसे ही आप अपने डोर के लेंथ के अकॉर्डिंग अपने उसके डोर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और कलरफुल तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमने यहाँ पर पिंक और ग्रीन लिया है, ये येलो और पिंक हो गया, ऐसे ही हमने बहुत सारे बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऐसे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको रिबन में लगाएंगे। रिबन में लगाने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिबन टाई करने के लिए छोड़ देंगे इतना कम से कम, और उसके बाद हम जैसे ये एक हमने ले ली है इसको पहले इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रिबन लेंगे और उसको इस हमने इनको इक्वल गैप्स पर टाई कर लिया है। ऐसे ही हम अपने अकॉर्डिंग कलरफुल और कितनी भी इसकी लेंथ बढ़ाकर ऐसे डेकोरेशन के लिए बंधनवार या कह सकते हैं तोरण हम बना सकते हैं। आप भी अपने घर पर बनाइए और अपने घर के डोर्स को डेकोरेट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस और हमारी न्यू वीडियोस जल्दी आपको मिलेंगी। थैंक यू।